मंडी शहर के नए मोक्ष धाम में रविवार 28 अगस्त को शंकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद शंकर की प्रतिमा का दर्शन किया गया और नगर वासियों द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई। मोक्ष धाम में रविवार को शंकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई। कामठी शहर के लिए ये दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। रविवार सुबह 9:30 बजे गंज के बालाजी मंदिर क्षेत्र से पूजा कर शुभ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए मनोहारी भ्रमण करते हुए अजनी रोड स्थित नवनिर्मित मोक्ष धाम पहुंची। इस अवसर पर शहर के नागरिकों ने जुलूस में भाग लिया। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाए गए और प्रसाद बांटा गया। मोक्षधाम में तेज राम जी जैन बाबा जी महाराज ने मूर्ति की पूजा की। इस अवसर पर कामठी विधानसभा विधायक टेकचंद सावरकर, मोक्षधाम समिति के सदस्य एवं नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। तो आज ये सबका सपना साकार हुआ। 50 साल 60 साल पुरानी ये कमेटी है और ये कमेटी के लोग इतना घूमे हुए हैं, वो तो इन लोगों की मेहरबानी है जिन लोगों ने फंड दिया और जब जाके आज ये सपना साकार हो पाया। नहीं तो पानी का नल भी नहीं लगता था। बातें तो बहुत सारी होती है लेकिन जब कोई चीज़ बनाने में, करने में, समय खराब करने में कमेटी को कितना प्रयास करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है वो कमेटी को मालूम रहता है। सब होने के बाद में तो कोई कुछ भी बोलता है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए और इस ये जो इतना अच्छा परिसर बना है इसको, इसका लाभ ले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपयोग करने दे। और इतना ही कहना चाहूँगा मैं कमेटी के माध्यम से। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।